हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इसका हम पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं अभी वीडियो लेक्चर चल रहा है तो उसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, देखो नॉर्मली तो तुमने इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो, यू आर इन फाइनल ईयर नाउ। ठीक है, तो उसमें तुमने स्पेक्ट्रोस्कोपी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, फिर भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे देखो, हमारे पास कोई भी एटम्स हैं। ठीक है, एटम्स मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकते हैं। डॉट डॉट याद रखना कि एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स कुछ भी होंगे तुम्हारे। ठीक है, इसको बोला हमने जीएस स्टेट, दैट इज ग्राउंड स्टेट। ठीक है, जो भी एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं और मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वो कहाँ है? ग्राउंड स्टेट में है, उनकी लोवेस्ट एनर्जी है। लेकिन जैसे ही तुम उसको क्या दोगे? एनर्जी प्रोवाइड करोगे। एच न्यू क्या है तुम्हारे पास? एनर्जी। तो एनर्जी तुमने इन मॉलिक्यूल्स को प्रोवाइड की। सिंपल सी बात सोचो, किसी के पास अचानक से बहुत सारी क्या आ जाए, पैसा आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल, डिसबैलेंस। वो क्या करेगा? उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। मैं यहाँ लगा देता हूँ, कपड़े ले आता हूँ, विदेश घूमने चले जाता हूँ। तो उस तरह से इन मॉलिक्यूल्स के पास क्या आ जाती है? एच न्यू, दैट इज एनर्जी आ गई। तो डिस्टेबल हो गए, डिस्टेबल होकर कहाँ जाएंगे? एक्साइटेड स्टेट में। तो यहाँ पार्टिकल्स आ गए हैं। अब एक्साइटेड स्टेट में भी अनस्टेबल है, विदेश घूमाया नहीं, अभी और पैसा है, और घूमने जाऊंगा, तो वो क्या होता है? अनस्टेबल। लेकिन एट लास्ट में जब उसका पैसा खत्म हो जाएगा तो उसे ग्राउंड स्टेट पे आना पड़ेगा, क्योंकि उसको स्टेबल होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो डिस्टेबल है, फिर वो ग्राउंड स्टेट में वापस से आएगा, और इसके बीच में क्या करेगा? रेडिएशन का क्या करेगा? एमिशन। तो यहाँ पर जो उसके पास एक्स्ट्रा पैसे हो वो यहाँ पर एमिट कर देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी का एब्जॉर्प्शन किया, एक्साइटेड स्टेट में गया, क्योंकि यहाँ पर अनस्टेबल, ज्यादा एनर्जी आ गई, अनस्टेबल हो गई, तो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, एक्साइटेड से फिर ग्राउंड स्टेट में, क्योंकि एक्साइटेड में भी स्टेबल नहीं है, ग्राउंड स्टेट पे आएगा। बीच में क्या करेगा? एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये जिस रीजन की भी हो, जिस देखो एनर्जी के बहुत सारे रीजंस होंगे, एक्सरे, गामा रे, जिस भी टाइप की वो रेडिएशन का एमिशन करेगा, उस टाइप के रेडिएशन को हम क्या ले लेंगे? ग्राफ पे ऑब्टेन करेंगे किस पर्टिकुलर रीजन की रेडिएशन होंगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम, इसे कहा जाएगा, दैट इज स्पेक्ट्रम, और जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी समझ में आया कि हम एक स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करेंगे बाय एक्साइटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड देन ग्राउंड स्टेट में जब आएंगे तो एमिशन करेंगे, तो उन रेडिएशन का हम क्या लेंगे? डिटेक्टर से एक स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करेंगे, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ये सिंपल स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो एटॉमिक है, मॉलिक्यूलर है, दो टाइप्स पढ़ेंगे। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम से पता चल रहा है, एटॉमिक दैट मींस एटम से रिलेटेड होगी, और ये कैसी है? मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल से रिलेटेड होगी। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारा जो सैंपल होगा वो क्या होगा? एटम की फॉर्म में होगा। इसमें क्या होगा? एटम की फॉर्म में, और इसमें क्या होगा? मॉलिक्यूल की फॉर्म में। डिफरेंस इतना ही है, मतलब जो ग्राउंड स्टेट में हमारे पास ये जो सैंपल है वो एटम्स का है तो उसको एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, मॉलिक्यूल्स का है तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। समझ में आया? अब जैसे एक एटम था, ये डॉट डॉट को क्या समझो? एक एटम है, तो ये एटम ने क्या किया? एब्जॉर्प्शन किया, तो एक लाइन देगा। ठीक है, दूसरा एटम है, उसने एब्जॉर्प्शन किया, फिर क्या दिया? एक स्पेक्ट्रम दिया, लाइन दिया। समझ रहे हो? कोई भी एक एटम है, उसने स्पेक्ट्रम दिया, तो एटम का जो स्पेक्ट्रम आएगा उसमें क्या होंगी? लाइंस बनी होंगी, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, जितने भी उसमें एटम होंगे उतने ही लाइंस बनेंगी। समझ में आ रहा? तो इसको क्या बोलोगे? लाइन स्पेक्ट्रम इसे कहा जाएगा। ये क्या होगा? लाइन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम तुमने पढ़ा होगा। हाइड्रोजन में क्या होता है? सैंपल जो होता है एटम्स की फॉर्म में होता है, तो हर एक एटम का अपना क्या आएगा? लाइंस आएंगे। तुमने लाइंस भी पढ़ेंगे, बाल मेरा क्वेश्चन इफ तो फंड है, इस तरह की लाइंस पढ़ेंगे, तो वो क्या होता है? लाइन स्पेक्ट्रम, जिसमें क्या होगा? एटम से क्या मिलेगा? लाइंस मिलेंगी। ठीक है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या मिलेंगी? इसमें भी लाइंस मिलेंगी, लेकिन ये बहुत क्लोज लाइंस मिलेंगी। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है? कैल्शियम क्लोराइड, इसमें कितने एटम्स है? थ्री, कैल्शियम और दो क्लोरीन। ठीक है, तो थ्री मॉलिक्यूल्स, थ्री एटम्स हैं, एक मॉलिक्यूल है, ये क्या है? एक मॉलिक्यूल, दिस इज नॉट एटम। एटम का मतलब होता है सिंगल यूनिट। ठीक है, और अगर बहुत सारे एटम्स मिल जाते हैं तो उसको मॉलिक्यूल कहा जाता है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल है, इसकी अपने क्या आएंगे? लाइंस। हर एक इंडिविजुअल एटम्स की क्या आएंगे? लाइंस आएंगी, बट वो लाइंस बहुत क्लोज होती हैं, इसलिए इसको लाइन स्पेक्ट्रम नहीं बोल सकते, इसको क्या बोला जाएगा? बैंड स्पेक्ट्रम। तो एक बैंड बन जाएगा ना, ऐसे बहुत सारे लाइंस क्या होंगे? क्लोजली स्पेस्ड होंगे। हम इन लाइंस को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही क्लोज लाइंस है। तो लाइंस को जब बहुत सारी लाइंस जो होती हैं टुगेदर होती हैं, यानी इकट्ठे प्रेजेंट होती हैं, तो उसे बैंड कहा जाता है। समझ में आया? तो एटम्स का क्या मिलेगा हमें? लाइन स्पेक्ट्रा मिलेगा, क्योंकि एटम्स अलग अलग हैं, सबका अलग अलग स्पेक्ट्रा आएगा। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होगा? मॉलिक्यूल्स है, पूरा एक ग्रुप ऑफ एटम्स है, तो उसमें लाइंस आएंगी, बहुत पास पास आएंगी, जिससे हम सेपरेट नहीं कर सकते। अगर हम लाइंस को सेपरेट कर देते हैं तो उसे बोला जाता है रिजोल्विंग पावर। ठीक है, रिजोल्विंग पावर का कंसेप्ट आया, तो उसको याद रखना कि रिजोल्विंग पावर क्या होती है। तो लाइंस को अगर हम सेपरेट कर लेते हैं तो उस पर्टिकुलर पावर को बोला जाता है रिजोल्विंग पावर, या रेजोल्यूशन भी कहा जाता है।
जब हम क्लोजली स्पेस्ड लाइंस जो होती है उनको हम सेपरेट कर देते हैं तो उसको रिजोल्विंग पावर भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो हमें ये पढ़ना है कि कौन कौन सी रेडिएशन का यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हुआ। ये तो हमारे पास हो गया एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अब हमें ये पढ़ना है कि ये प्रोसेसर हो रहा है तो किसने किया, मतलब ये प्रोसेसर जो हमने इतना पढ़ा है ये क्यों हुआ है। ठीक है, देखो अब हमारे पास होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन हुआ, ये जो एच न्यू है, ये क्या है, रेडिएशन जिन्होंने यहाँ पर जिसको पार्टिकल्स ने एब्जॉर्ब किया। तो ये जो रेडिएशन है ना एच न्यू, ये कौन से होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, सभी में एक बात याद रखना हमेशा ही कि जब भी कोई भी स्पेक्ट्रम ऑब्टेंड होता है तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो ये कौन सी होती है, EMR रेडिएशन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस रेडिएशन से इन्हें कहा जाता है। इसकी क्या प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये स्पेस के थ्रू मूव करती है। थोड़ा सा बता देती हूँ, छोटी क्लास में पढ़ा होगा, स्पेस के थ्रू क्या करती है, मूव करती हैं, और जो इनकी वेव्स होती हैं, देखो नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से कहा जाता है। देखो हम कहाँ थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, जैसे नाम है इनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दैट मीन्स इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी है इसमें और एक मैग्नेटिक फील्ड, दो वर्ड है तुम्हारे पास। ठीक है, यानी जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, ये बात याद रखना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक वो आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये मैं थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक फीचर बता रही हूँ कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो उनमें क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, दोनों के दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करते हैं। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करती है, इसको बोलते हैं वेव करेक्टर, हमने बता दिया है, और स्पेस के थ्रू मूव करती है। इनकी एनर्जी जो भी होती है उसके बेस पे इसकी टाइप्स होती है एच न्यू। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की हमने एक रेंज बनाई है, उसको जरूर पढ़ना। देखो यहाँ जो रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होता है वो क्यों होता है, हमने कहा कि मान लो ये एक्सरे एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये क्यों एब्जॉर्ब कर रहा है एक्सरे, क्योंकि ये जो एनर्जी गैप होता है ये मैच करता है। देखो ग्राउंड स्टेट से किसी को एक्साइटेड स्टेट में जाना है तो वो जो बैरियर है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के बीच का जो एनर्जी गैप होता है उसको हम बैरियर बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो बैरियर होता है वो बैरियर अगर किसी भी पर्टिकुलर रीजन से मैच करता है तभी वो एब्जॉर्प्शन होगा, उसको रेजोनेंस कहा जाता है। ठीक है, अगर ये जो गैप होता है, ये जो एनर्जी का गैप है, ये गैप की हम बात कर रहे हैं, अगर ये गैप मैच करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की गामा रे से तो गामा रे का एब्जॉर्प्शन होगा, अगर एक्सरे से मैच करता तो एक्सरे एब्जॉर्प्शन होगा, तब ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ठीक है, समझ में, मैं इसलिए क्यों बात कर रही हूँ। अब देखो इसके हम टाइप्स पढ़ेंगे, रीजन कौन कौन से होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, रीजन कौन कौन से होते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया कि हमारे पास ये स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वो स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास जो रीजन आता है वो होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन। इसको क्या बोलते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन हुआ, रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन में जो रेंज है वो होती है 3 × 10^10 हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास हो जाएगा माइक्रोवेव रीजन हो जाएगा 3 × 10^12 हो जाएगी हर्ट्ज। फ्रिक्वेंसी की रेंज में हम इनको अरेंज करेंगे। उसके बाद हो जाएगी इंफ्रारेड हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास विजिबल हो जाएगी यूवी विजिबल हो जाएगी एक्सरे। जल्दी देख लेती हूँ, स्पीड मोड पे देख लेना इसको, पता है इतने हल्के बच्चे हैं ना वीडियो में पूरी नहीं देखते। देखो ध्यान से, रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में क्या रेंज है, 3 × 10^10, 3 × 10^12, नेक्स्ट क्या हो जाएगी, दो बढ़ाते जाओ कुछ नहीं करना, 14, 16, 18 और 20, समझ रहे हो, हर्ट्ज लगा देना सबकी, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी रीजन है ये। ठीक है, वेवलेंथ होती है तो पर सेंटीमीटर या पर मीटर कुछ यूज होता है। ठीक है, देखो ध्यान से, हमने क्या किया है, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। कभी सोच लो मैडम ने क्या लिख दिया, तो ये सारे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
रेडिएशंस हैं इनको हमने अरेंज किया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी हर्ट्ज में इसको लिख देती हूँ। हर्ट्ज क्या है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट। तो हर्ट्ज में हमने फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है उसमें हमने इसको क्या किया, अरेंज किया। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर, देखो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 8, 9, 20 है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इनको अरेंज किया, ठीक है। अब देखो गैप की बात करते हैं, जो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के बीच का जो गैप होता है, अगर ये जो बैरियर होता है मैच करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन से, तो रेडियो रीजन की जो एनर्जी है उसका एब्जॉर्प्शन होगा। अगर माइक्रोवेव से मैच करता है रीजन से, तो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रीजन में जो एनर्जी है उसका एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के हमारे पास टाइप्स हैं, समझ में आ रहा। रेडियो जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, उसमें कौन कौन से स्पेक्ट्रम आएंगे वो देखो ध्यान से, किस किस का जो एनर्जी, जो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के बीच का बैरियर होता है मैच करता है, वो होती है NMR, दूसरा ESR, ठीक है। NMR क्या होती है? N का मतलब न्यूक्लियर, M का मतलब मैग्नेटिक, R मींस रेजोनेंस। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में जो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच का जो गैप होता है वो मैच करता है रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन से, ठीक है। इसलिए रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन में एब्जॉर्प्शन करते हैं पार्टिकल्स। तो ये पार्टिकल्स उसी रीजन की रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करेंगे जिस जो उनका गैप मैच करता है, जिस भी पर्टिकुलर रीजन से गैप मैच करेगा उसी रेडिएशन को एब्जॉर्प्शन करेंगे, ठीक है। तो ESR क्या है? इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एब्जॉर्प्शन करेंगे, उनकी इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज हो जाएगी। जो ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन होंगे वो एब्जॉर्प्शन करेंगे और उनकी स्पिन चेंज हो जाएगी एक्साइटेड स्टेट में जाके, तो इसको इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। और NMR में क्या होगा? न्यूक्लियस जो होगा वो एब्जॉर्प्शन करेगा, प्रोटॉन जो होगा वो एब्जॉर्प्शन करेगा, न्यूक्लियस को हम प्रोटॉन बोलते हैं। तो ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में न्यूक्लियस जाएगा और उसकी स्पिन चेंज होगी। माइक्रोवेव रीजन में क्या होगा? रोटेशनल स्पेक्ट्रा आएगा, इसमें हमारा क्या आएगा? रोटेशनल स्पेक्ट्रा आएगा, और इसमें क्या आएगा? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, अभी बताती हूँ उनको। और ये कौन सा हमारा व्यू विजिबल में क्या आएगा? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आएगा, पूरा स्पेक्ट्रा बताऊंगी कैसे आएगा। ये हाइयर एनर्जी ऑर्डर के होते हैं, गामा रे में क्या आता है? मोस बार आ जाएगा, ठीक है। ये मोस बार स्पेक्ट्रा आ जाएगा। देखो चाहे तुम कोई भी स्पेक्ट्रा पढ़ो, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल कोई भी पढ़ो, जैसे ये देखो NMR क्या है? ऑर्गेनिक का स्पेक्ट्रोस्कोपी में आता है। ESR क्या? इनऑर्गेनिक में आता है। मोस बार इनऑर्गेनिक में आता है, बाकी फिजिकल में है। रोटेशन, वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक सारे फिजिकल के स्पेक्ट्रा हैं। तो ये जो तीन स्पेक्ट्रा होते हैं ये फिजिकल के हैं, बाकी सारे क्या? इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में आएंगे, ठीक है। देखो कोई भी स्पेक्ट्रा पढ़ो, सबसे पहली बात हमेशा याद रखो कि कौन से रीजन में एब्जॉर्प्शन हो रहा है। जिस भी पर्टिकुलर रीजन में एब्जॉर्प्शन होगा उसी पर्टिकुलर रीजन की क्या होगी? तुम्हारे पास रेडिएशन आएंगे, ठीक है। उसी पर्टिकुलर रीजन में एब्जॉर्प्शन होगा। देखो रोटेशन स्पेक्ट्रा, जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होंगे उसके बीच का जो गैप होगा वो मैच करेगा माइक्रोवेव रीजन से। R1 क्या है? तुम्हारा ग्राउंड स्टेट, ये क्या है? एक्साइटेड स्टेट। तो इनके बीच का जो बैरियर होगा, एनर्जी गैप होगा, मैच करेगा माइक्रोवेव रीजन की रेडिएशन की जो रेंज है उससे मैच करेगा। 3×10^12 हर्ट्ज, दैट इज फ्रीक्वेंसी रेंज। तो इस फ्रीक्वेंसी रेंज से मैच करता है रोटेशन एनर्जी लेवल के बीच का गैप। वाइब्रेशन में क्या होगा? वाइब्रेशन का गैप होगा कौन सा है? 3×10^14। उसी तरह से विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी आएगी, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी आएगी, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आएगा। ये तीनों स्पेक्ट्रा हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो हम पढ़ते हैं टाइप्स कौन कौन से होंगे। गामा रे में मोस बार आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें जो पढ़ना है, दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, ठीक है। ये हो गए NMR में, समझ में आ गया कि प्रोटॉन एब्जॉर्प्शन करेगा, इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया हमारा V1, ये हो गया V2, ये टोटल हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, ठीक है। ये हो जाते हैं हमारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। V1 V2 क्या है हमारे? वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। और ये जो छोटे छोटे हैं R1 R2 R3, यहाँ से भी R1 R2 R3 R4 R5, तो ये जो सारे हैं ये हमारे रोटेशनल हो जाएंगे, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो हमारा स्पेक्ट्रम है उसमें कौन कौन से एनर्जी लेवल्स होते हैं। सबसे बड़ा इस पूरे को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। तो इलेक्ट्रॉनिक जो स्पेक्ट्रा आएगा उसमें कौन कौन से होंगी? वाइब्रेशनल लाइंस भी होंगे। अब ये जो पूरा है दैट इज तुम्हारा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स है, ठीक है। इसके नीचे भी इसी तरह का मिलेगा, इसको बोलते हो E2 एनर्जी लेवल, और ये क्या हो जाएगा? E1 एनर्जी लेवल। उसमें भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हो,
ठीक है, ऐसे इसमें भी ये हो जाएंगे वी वन और वी टू, और ये आर वन आर टू क्या होंगे, रोटेशन एनर्जी लेवल हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है, समझ रहे हो। देखो इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे पास लाइंस हैं वो हम बता रहे हैं कौन सी है, तो इलेक्ट्रॉनिक लाइन जो होती है कंसिस्ट ऑफ वाइब्रेशन लाइंस, वाइब्रेशन लाइन इज कंसिस्ट ऑफ रोटेशन एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो ये वाला जो यहाँ पर गैप है हमने समझ में आ रहा है, ये ईवन है, वैसे ही होंगे इसमें वी वन और वी टू, इसमें भी क्या होंगे वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स होंगे। तो ये जो पूरा हमारा ये एक है, इसको ध्यान से देखो, ये हमारा एक क्या है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है दैट इज ए टू, और ये हमारा कौन सा है एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है दैट इज ई वन। ये समझ में आ रहा है ई वन ई टू क्या कंसेप्ट है। देखो दोबारा देखो इसको ध्यान से, ये क्या है हमारा ई टू इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल और ये हमारा ई वन है। देखो ये बात याद रखो, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इज कंसिस्ट ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, और वाइब्रेशन लेवल इज कंसिस्ट ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल, रोटेशनल एनर्जी लेवल, ठीक है, समझ में आया। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है उसके अंदर क्या होंगे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होंगे, वाइब्रेशनल में क्या होंगे तुम्हारे पास रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होंगे। तो ये एक पूरा क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है, जिसमें क्या है ये वाइब्रेशन लेवल है वी वन, ये पूरा वाइब्रेशन लेवल है, ये तुम्हारा क्या है पूरा वाइब्रेशन लेवल है। इस वाइब्रेशन लेवल में क्या है आर वन आर टू आर थ्री, ये क्या है रोटेशनल एनर्जी लेवल, समझ में आ रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, देखो दोबारा से हम आपको एक्सप्लेन कर ही देते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल जो होते हैं हमारे पास, उसके अंदर क्या होते हैं वाइब्रेशन एनर्जी लेवल, वाइब्रेशन के अंदर क्या होते हैं रोटेशनल एनर्जी लेवल। कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स हैं उसमें फर्दर छोटे क्या होते हैं वाइब्रेशन लेवल, वाइब्रेशन लेवल के अंदर क्या होते हैं रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं। उसको हम अभी ड्रॉ करते हैं दोबारा से, देखो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। देखो ध्यान से, ये एक हमारे पास क्या है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, ये हमारा ए टू है एक्साइटेड स्टेट, और ये हमारी ई वन है, ये तो हमारी ग्राउंड स्टेट है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल की, और ये क्या हमारी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल की हमारी क्या है एक्साइटेड स्टेट। इसमें क्या है ये वी वन और वी टू हमारे क्या है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, वी वन वी टू क्या है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स है, ठीक है। और ये इसमें छोटे क्या है आर वन आर टू आर थ्री आर फोर, ठीक है, ये क्या है रोटेशनल एनर्जी लेवल, छोटे वाले हैं, ठीक है। तो जब हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, मतलब इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल ईवन से, ये क्या है हमारी ग्राउंड स्टेट, ये हमारी क्या है ग्राउंड स्टेट, ये हमारी क्या है एक पर्टिकुलर ग्राउंड स्टेट, और ये हमारी क्या है एक एक्साइटेड स्टेट है इसकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। अब हमने पीछे पढ़ा है कि एनर्जी जो रेंज थी उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कौन करता था, याद करो यूवी विजिबल रीजन की जो भी रेडिएशंस होती हैं, यानी जो भी मॉलिक्यूल्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस करते हैं वो रेंज क्या होती है उनकी यूवी विजिबल, ठीक है। तो जब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ दैट मीन्स पार्टिकल यहाँ पे था ग्राउंड स्टेट में, इसने पर्टिकुलर ई वन से ई टू में गया, ठीक है। अब इतना रीजन जो है हमारा वो क्या है ई टू है, अभी हमने पढ़ा ये हमारा क्या है ई वन है हमारा, ठीक है। इतना पर्टिकुलर रीजन क्या है हमारा, इतना ये जो मैंने सर्कल किया ये हमारा ई वन रीजन है, यानी इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट है, और ये ऊपर वाला हमारा क्या है ई टू स्टेट, यानी इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड स्टेट है। जब हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक का ट्रांजिशन हुआ E1 से E2, तो ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा, दैट विल बी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अगर मैं कहती हूँ वाइब्रेशनल ट्रांजिशन हुआ, मतलब ये V1 क्या है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल ग्राउंड स्टेट है, मतलब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाता है, मतलब कोई भी पार्टिकल V1 से V2 में जाता है, तो ये क्या होगा वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, और ये क्या है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अगर मैं बोलती हूँ रोटेशनल ट्रांजिशन हुआ, रोटेशनल ट्रांजिशन मतलब ये पार्टिकल जो है इस R1 से R2 में गया, R2 से R3 में गया, इस तरह के जो ट्रांजिशन होंगे रोटेशनल होंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर हम बहते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा मिला, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम E1 से E2, यानी फर्स्ट ग्राउंड स्टेट जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है वहां से एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन हुआ। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा अगर मिलता है तो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा में क्या होगा V1 से V2 में ट्रांजिशन, यानी वाइब्रेशनल ग्राउंड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से एक्साइटेड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन हुआ। रोटेशनल भी ऐसे ही होगा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा अगर किसी का ऑब्टेंड होता है तो उसमें क्या होगा ट्रांजिशंस होंगे फ्रॉम R1 से R2, यानी एक रोटेशन एनर्जी लेवल से दूसरे रोटेशन एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होता है, तब रोटेशन स्पेक्ट्रा वाइब्रेशनल
और इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, अब देखो हमें पढ़ने हैं कि एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे और उसके बाद हमारे पास